दुनिया में तबाही मचा दी। अभी दुनिया एक तूफान से निकल ही रही तो नई अफवाहें शुरू हो गई। एक उससे भी जानलेवा वायरस चाइना और इंडिया की बॉर्डर पर फैलना शुरू हो चुका है। इस दौर में हमारे अंडरकवर एजेंट ब्रेन घोष ने एक चाइनीज सोर्स से संपर्क बना लिया और वो इस बात का सबूत लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में देने को तैयार है। ब्रेन के बारे में पता कैसे चला उनको? मैं अपने सोर्सेज से पता लगा रही हूं। And what do you expect me to answer to the people? India's intelligence is not intelligent enough to find their missing spy. Hello, my dear friends. Welcome you all, my dear friends. Hello, Govind. Hello. Good evening, Govind. And Praveen Gaikwad. Hello, Praveen. Hello, my dear friends. Welcome, my dear friends. Hello. So, good evening, my dear friends. Good evening, my dear friends. Hello. Okay, Sanket. Hello. So now, today, our session is Basics of Welding. तो आज के session में हम Basics of Welding के बारे में study करेंगे.
और यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन गेट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए हम देखेंगे. ओके, हेलो विकास, हेलो गोविंद. सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं. यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. एंड देन नेक्स्ट लेवल पे हम ये देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग. ओके, एंड एट नेक्स्ट लेवल हम देखने वाले हैं कि वेल्डिंग की डिफरेंट, व्हाट इज द टॉपिक. संकेत, टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग. ओके संकेत, नाउ टुडे योर टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग. आज के हम टॉपिक में हम बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में देखने वाले हैं एंड वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर सम ब्यूटिफुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईएससी एंड गेट. गेट के कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे साथ में फॉर ईएससी एंड गेट. कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो अगेंस्ट स्ट्रेटजी, वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड एंड वेल्डिंग इज वेरी, प्रवीण गायकवाड, वेल्डिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग. नो नो माय डियर फ्रेंड्स, लाइव सेशन में हम वेल्डिंग के बारे में ही देख रहे हैं, कोई कंफ्यूजिंग सेशन ये नहीं है. स्टेप टू स्टेप वाइज हम देखते जाएंगे कि वेल्डिंग में होता क्या चीज है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेल्डिंग में होता क्या चीज है एंड स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रोसेस को देखते जाएंगे. कोई कंफ्यूजिंग सेशन नहीं है. करना क्या है, केवल दो मेटल को आपस में ज्वाइन ही तो करना है और कुछ नहीं करना है. इसमें थोड़ा सा आर्क वेल्डिंग होता है, थोड़ा सा टिपिकल वहां से क्वेश्चंस बनते हैं. तो जो नेक्स्ट लेवल पे हम वेल्डिंग के बारे में देखेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पे हम आर्क वेल्डिंग के भी बारे में हम देखेंगे, बताएंगे. इज इट राइट, केवल ये आर्क वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा टफ होता है, बट वेल्डिंग सबसे इजी टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स. वेल्डिंग आपका सबसे इजी टॉपिक है, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है आपका वेल्डिंग. केवल दो मेटल को लेना है और आपस में ज्वाइन करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना. तो वेल्डिंग बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा. एंड एम एकेडमी एजुकेशन, नाइस ग्रेट फैकल्टी नाउ इन एकेडमी एकेडा. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू सो मच ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है माय डियर फ्रेंड्स. यहाँ प्रवीण आपको ध्यान से सुनना है कि वेल्डिंग होता क्या चीज है, इसके बारे में हम सीखेंगे. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, यहाँ से वन मार्क्स का गेट पे फिक्स है, वन मार्क्स का गेट एग्जामिनेशन में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से. तो ये हमें देखना है, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेल्डिंग के बारे में देखना है और गेट एंड ईएससी के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें देखना है. इज इट राइट. उसके बाद गेट एंड ईएससी के लिए रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वेटेज रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस सब्जेक्ट वेटेज एंड रिगार्डिंग प्लान ऑफ एक्शन की हाउ टू इम्प्रूव आवर रैंक, ठीक है, कि रैंक इंप्रूव कैसे किया जाए. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इन सब चीजों के बारे में भी कोई भी डाउट होगा तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये जो वेल्डिंग हमारा टॉपिक है ये फॉर ईएससी, दैट मीन्स आईईएस, फॉर गेट, फॉर एसएससी जेई एंड फॉर स्टेट पीएससी. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स. यहां से 2 मार्क्स का आपको गेट में मिलने वाला है, गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, गेट में 2 मार्क्स का आपको वेल्डिंग से ही मिलने वाला है क्वेश्चन. ईएससी में आपको मिनिमम 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, एंड कन्वेंशनल में अप्रॉक्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है. कन्वेंशनल में कभी कभी 8 to 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है. इज इट राइट. ओके, एंड अगर एसएससी जेई की हम बात करें तो यहां पे एसएससी जेई में 4 मार्क्स का
ऑब्जेक्टिव लेवल पे पूछा जाता है एंड अगेन यहाँ पे अप्रॉक्स 8 मार्क्स का कन्वेंशनल में पूछा जाता है इस वेल्डिंग से. एंड अगर एसएससी जेई अगर स्टेट पीएससी लाइक यूपी पीएससी यूपी पीएससी एमपीएससी एमपीपीएससी एमपीपीएससी आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तो इन सब चीजों के लिए अगर देखा जाएगा तो यहां भी सेम ईएससी का ही वेटेज होता है माय डियर फ्रेंड्स. 2 to 4 मार्क्स का 2 to 4 मार्क्स का आपका पूछा जाता है. इज इट राइट? 2 to 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछा जाता है एंड 8 to 20 मार्क्स का आपका पूछा जाता है कन्वेंशनल के लिए. इज इट राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. एंड प्लीज माय डियर फ्रेंड्स इतने लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये चीज नोट करिए कि आज का सेशन हमारा वेल्डिंग होगा. वेल्डिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग होगा, टर्मिनोलॉजी होगा. और माय डियर फ्रेंड्स ये गेट में 2 मार्क्स का जो आपका वेल्डिंग पूछता है उसमें केवल 1 मार्क्स का क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से ही पूछ लेता है. तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? एंड ये सब सारे एग्जाम के वेटेज हैं रिगार्डिंग दिस स्पेशली दिस वेल्डिंग टॉपिक. ओके, अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखा जाए तो मेरे प्रीवियस लेक्चर लाइव लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने गेट एईएससी के सारे वेटेज के बारे में बताया है आपको, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. ओके, कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेल्डिंग उसके बारे में हम एक बार सीखने वाले हैं एंड देन फर्दर वी विल मूव अहेड. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. ओके, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो चलिए कमेंट करिए माय डियर फ्रेंड्स, इतने लोग हमारे लाइव हैं, कमेंट करिए, आंसर करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. प्लीज आंसर मी कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. प्लीज आंसर मी माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आंसर मी कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. अब वेल्डिंग के बारे में सबसे पहले तो आंसर करिए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं. ओके, आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर योर कमेंट. क्लास को जितना हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, जितना हम आपस में कमेंट करते रहेंगे, उतना ही क्लास हमारा काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होगा. सो संकेत प्रवीण एंड एम एकेडमी कमेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. गोविंद प्लीज आंसर मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग. माय डियर फ्रेंड्स आंसर करिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्डिंग, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन कुछ तो आप लोग अपने एंड से कुछ तो बोलिए. ज्वाइनिंग ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स विद एप्लीकेशन ऑफ हीट. वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एंड नेक्स्ट एनीवन, नेक्स्ट एनीवन. ज्वाइनिंग ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, ये डेफिनेशन उतना करेक्ट नहीं है. व्हाई व्हाई वेदांत उतना करेक्ट नहीं है? क्योंकि सिमिलर एंड डिसिमिलर बोथ हम मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चाहे वो सिमिलर मेटल हो, मतलब हम आयरन आयरन के ब्लॉक को, दो आयरन के ब्लॉक को लेके भी हम वेल्ड कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा. एंड डिसिमिलर मेटल को भी हम लेके हम वेल्ड कर सकते हैं, आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. एंड प्रवीण गायकवाड की ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स बाय हीटिंग एंड बाय यूजिंग फिलर. वेरी गुड. कभी कभी फिलर का यूज नहीं भी करते हैं, ठीक है ना? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इसका डेफिनेशन होने वाला है. कभी कभी फिलर का यूज करते हैं, कभी कभी फिलर का यूज नहीं करते हैं, पहली बात. कभी कभी हीट का यूज करते हैं, कभी कभी हीट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन इजिली मेल्ड टू मेटल, ठीक है ना? सिमिलर डिसिमिलर दोनों मेटल को भी हम वेल्ड कर सकते हैं. प्रवीण गायकवाड अगेन, फ्यूजन ऑफ टू मेटल बाय हीटिंग. ओके, तो हीट का भी हम यूज कर सकते हैं, हीट का यूज नहीं कर सकते हैं. वेल्डिंग का डेफिनेशन बताइए. वेल्डिंग की डेफिनेशन से ही पूरा आपका वेल्डिंग क्लियर होने वाला है, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स आंसर मी, इतने लोग लाइव हैं, प्लीज आंसर करिए. जितना ही ज्यादा इंटरेक्टिव करेंगे उतना ही. ये लाइव का मतलब क्या है? ऑफलाइन क्लास क्रिएट करना, ऑफलाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना. आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सबको बोलिए कि सब लोग एक साथ आए, बिल्कुल लाइव क्लास बनाते हैं. आप कोई भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, मैं हर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का मैं आंसर दे रहा हूँ,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी अगर डाउट भी होगा तो आपको, कोई भी अगर डाउट हो तो आपको मतलब शर्माना नहीं है, ठीक है ना। आपको दिस इज माय नेम प्रकाश चंद्र सिंह, गेट 2014 एंड ईएससी 2017 मैंने क्रैक किया, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर 9125935774। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम। तो चलिए वेल्डिंग का डेफिनेशन एक बार हम स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग को देखते हैं कि एक्चुअली में वेल्डिंग होती क्या चीज है। ओके, सो प्रोसेस इन विच, हियर प्रोसेस, प्रोसेस इन विच, वन सेक, प्रोसेस इन विच लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड coldness is produced with or without application of heat। My dear friends, Praveen, यहां पे आप देखिए कि विद और विदाउट, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट भी हम वेल्ड कर सकते हैं, एंड अगेन विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। ओके, हम विदाउट यूज ऑफ एनी फिलर मटेरियल भी हम वेल्ड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, राइट, सो विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, एंड विद और अगेन, एंड विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मतलब हम प्रेशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एंड प्रेशर का इस्तेमाल हम नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर मी, आप आंसर करते रहिए, साथ में पार्टिसिपेट करते रहिए। सो विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलाउ टू प्रोड्यूस अ परमानेंट ज्वाइंट। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट करिए। सो परमानेंट ज्वाइंट बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर, अब यहां पे वेदांत का आता है कि बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर। ओके ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर। ओके, बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर, आपके सिमिलर भी मटेरियल हो सकते हैं, डिसिमिलर भी मटेरियल हो सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मटेरियल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्या देखा, इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि ये वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल को हम ज्वाइंट करते हैं। कैसे करते हैं, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, हम चाहे एप्लीकेशन ऑफ हीट को यूज करके करें चाहे ना करें, चाहे विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, हम फिलर मटेरियल को ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ये क्रॉस और यस से आपको याद रहेगा कि हम फिलर मटेरियल का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे क्रॉस का मतलब कि हम हीट का यूज नहीं भी कर सकते हैं, एंड यस का मतलब हीट का यूज कर भी सकते हैं, अगेन हम यहाँ पे प्रेशर का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, परमानेंट, इट्स अ परमानेंट ज्वाइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि वेल्डिंग कैसा है, एक परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज पर मशीन डिजाइन, आपके परमानेंट ज्वाइंट कौन से होते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, एज पर मशीन डिजाइन, अगर मशीन डिजाइन के सेक्शन में थोड़ा सा इंटरलिंक करते हैं पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, साथ में पूरा का पूरा इंटरलिंक करके चलेंगे, तो अगर हम मशीन डिजाइन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर ज्वाइंट के बारे में देखते हो तो आप
पढ़ते हो, रिवेटेड ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, बहुत सारे स्कूटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, बहुत सारे ज्वाइंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ज्वाइंट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो उसमें टेम्परेरी ज्वाइंट्स भी होते हैं एंड परमानेंट ज्वाइंट भी होते हैं मशीन, एज पर मशीन डिजाइन, कि टेम्परेरी ज्वाइंट का भी सेशन होता है, परमानेंट ज्वाइंट का भी सेशन होता है। अगर बोल्टेड ज्वाइंट को अगर आप लेते हो, नट एंड बोल्ट, बोल्टेड ज्वाइंट को अगर आप लेते हो, तो बोल्टेड ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है? इट्स अ टेम्परेरी ज्वाइंट। बोल्ट को आपने पकड़ा, नट को ऐसे करके खोल दिया, तो ये दोनों अलग हो गए। तो नट बोल्ट मिलके जो ज्वाइंट क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है टेम्परेरी ज्वाइंट। कूटर ज्वाइंट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी ज्वाइंट, इज इट राइट? कूटर ज्वाइंट भी एक टेम्परेरी ज्वाइंट है, नकल ज्वाइंट भी एक टेम्परेरी ज्वाइंट है, इज इट राइट? बट माई डियर फ्रेंड्स, ये वेल्डेड ज्वाइंट कैसा है? ये परमानेंट ज्वाइंट है। ओके प्रवीण, वेदांत सुन रहे हैं सब लोग? वेरी गुड, आंसर मी यस। थोड़ा सा ऐसा लगे, कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्लास अभी जिंदा है, ठीक है ना माई डियर फ्रेंड्स? सो वेल्डिंग का मतलब क्या है कि परमानेंटली हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं। तो परमानेंटली और टेम्परेरी में आपको समझ में आया? चलिए थोड़ा सा ज्वाइंट, इस वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, ठीक है? और एनालिसिस के दौरान हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से मटेरियल को फिल करना है, किस तरीके से मटेरियल को नहीं फिल करना है, किस तरीके से मटेरियल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ आने वाली है, इन सब सारी की सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम देखने वाले हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ, ओके प्रवीण, क्लासिफिकेशन ऑफ, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेल्डिंग ज्वाइंट कितने टाइप्स के होते हैं और ये इनको क्यों परमानेंट की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है? तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे अगेन स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, प्लीज नोट इट डाउन, ये डेफिनेशन काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसमें वेल्डिंग की सारी चीजें हैं, तो आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, कोई भी डाउट होगा सो यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। सो अब टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि वेल्डिंग एक परमानेंट वेल्डिंग प्रोसेस क्या करता है, दिस इज योर वेल्डिंग प्रोसेस, ओके ना, दिस इज योर वेल्डिंग प्रोसेस, this is your welding process, and welding, by the using of welding process you have to create a permanent joint, you have to create a permanent joint. So my dear friends, by the using of this welding process aap kaise is permanent joint ko create kar rahe hain, aur ye permanent aur temporary joint hote kya hai? To as per machine design subject, उसमें आप तीसरे नंबर का टॉपिक पढ़ते हैं ज्वाइंट के बारे में, ज्वाइंट की, दैट मींस डिजाइनिंग ऑफ ज्वाइंट, डिजाइनिंग ऑफ ज्वाइंट के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ ज्वाइंट के बारे में स्टडी करने से पहले आप क्या देखते हो कि ज्वाइंट कितने टाइप्स के हैं? तो ज्वाइंट्स का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि टेम्परेरी ज्वाइंट होते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट होते हैं, एंड दूसरे आपके क्या होते हैं, परमानेंट ज्वाइंट होते हैं, परमानेंट ज्वाइंट होते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, टेम्परेरी ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? टेम्परेरी ज्वाइंट में आपके कूटर हो सकते हैं, नकल हो सकता है, बोल्ट, बोल्ट एंड नट ज्वाइंट हो सकता है, तो ये सब आपके टेम्परेरी ज्वाइंट हो सकते हैं। बट परमानेंट ज्वाइंट में कौन सा ज्वाइंट होता है? परमानेंट ज्वाइंट में आपका वेल्डेड ज्वाइंट होता है। तो अब ये वेल्डेड ज्वाइंट दिखने में कैसे लगता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में एक बार हम देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं एक बार। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप देखो कि वेल्डिंग, वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, दिस इज योर वेल्डेड ज्वाइंट, अ वेल्डेड ज्वाइंट इज योर परमानेंट ज्वाइंट। ओके परमानेंट ज्वाइंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर कितने टाइप्स के यहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हैं, कितने टाइप्स के यहाँ पे ज्वाइंट हो सकते हैं, उनके बारे में एक बार हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वेल्डिंग आपके तीन प्रकार के ज्वाइंट्स हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के ज्वाइंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज योर बट ज्वाइंट,
Second is your fillet joint. And third is your what? Third is your lap joint. My dear friends, ये butt joint कैसे होता है, fillet joint कैसे होता है, lap joint कैसे होता है, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका butt joint होता है, my dear friends, इतने लोग live हैं, answer कुछ तो question आप लोग करिए, कुछ question पूछिए, कोई answer question answering का session ऐसे चलता है, तो interactive class होती है। चलिए, तो butt joint में क्या होता है कि दो similar और dissimilar metal को आप लीजिए। Suppose that this is your iron, okay? This is your iron and this is your different metal, okay? This is your copper or any different metal, ठीक है? ये मतलब कुल मिला के ये iron नहीं है, ठीक है? तो ये dissimilar का case हो गया, okay? या फिर similar का case ले लेते हैं, तो this is your iron piece. And here second material is your also a piece of iron, ठीक है, okay? अब यहाँ पे आपको material fill करना है, ठीक है? तो butt joint का मतलब क्या है कि along the axis आपको joint create करना पड़ता है, मतलब दोनों metal आपके same axis पर रहेंगे, उसके बाद अब आपको weld करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको वेल्ड करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी ऐसे वेल्डिंग आपकी होगी, ये इस तरीके से मटेरियल को फिल करके, हीट करके मटेरियल को फिल करके आपको वेल्ड करना पड़ेगा। इज इट राइट, क्लियर? फिलेट जॉइंट में किस तरीके से वेल्डिंग करते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। फिलेट जॉइंट में वेल्डिंग, एक वर्टिकल मेटल होगा और एक हॉरिजॉन्टल मेटल होगा, ये इस तरीके से। इन दोनों को जोड़ने का काम जो हम करते हैं, तो वो काम किस में करते हैं, वो काम हम फिलेट वेल्ड में करते हैं, मतलब यहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मटेरियल हमारा जुड़ जाता है। अगर थ्री डायमेंशन में अगर आप देखना चाहोगे इस सिस्टम को, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है? ये इस तरीके से, ये आपका सिस्टम इस तरीके से दिखने वाला है। इज इट राइट माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सिस्टम दिखने वाला है। तो वेल्डिंग पूल किस तरीके से चलेगी, वेल्डिंग पूल आपकी पूरी इस तरीके से वेल्डिंग पूल चलेगी और ये मटेरियल आपका वेल्ड हो जाएगा आपस में। इज इट राइट, इसको बोला जाता है फिलेट वेल्ड या फिर फिलेट ज्वाइंट। परमानेंटली ज्वाइंट होते हैं, रेड कलर से पूरी की पूरी मैं वेल्डिंग आपको बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए, ठीक है? ओके प्रवीण गायकवाड, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग जब मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं आर्क वेल्डिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आर्क वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के लिए, बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे आर्क वेल्डिंग के अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं प्रवीण कराऊंगा, ठीक है? एंड अगेन, व्हाट इज अबाउट योर लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट में क्या करते हैं, दो मेटल लेते हैं, ये है आपका फर्स्ट मेटल, ठीक है? एंड दिस इज योर सेकेंड मेटल, ओके? एंड दिस इज योर सेकेंड मेटल, सेकेंड मेटल, ओके? उसके बाद हम करते हैं यहां पे वेल्डिंग, यहां पे कॉर्नर पे, यहां पे हम करते हैं वेल्डिंग, ये इस तरीके से। मतलब अगर 3D डायमेंशन में देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको दिखने वाला है, ठीक है? इस तरीके से आपको दिखने वाला है, इस तरीके से आप वेल्डिंग को करते हैं, इस तरीके से आप वेल्डिंग को करते हैं। इज इट राइट माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। चलिए, अब यहां पे ये वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि हमारा ज्वाइंट तो क्रिएट हो गया, माय डियर फ्रेंड्स ज्वाइंट तो हमारा क्रिएट हो गया, अब इसमें ये जो चीजें हैं वो एक्चुअली में है क्या चीज, उनके बारे में हम देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी टोटल हाइट होती है, ये टॉप से लेके ये बेस तक टोटल डिनोट किया जाता है एच हाइट से, ओके? ये जो ऊपर इतना सेक्शन ज्यादा निकला होता है उसको बोला जाता है व्हाट, रेनफोर्समेंट,
reinforcement of weld. Is it right? My dear friends, ये जो आपने होल क्रिएट किया है, ये जो आपने स्पेस क्रिएट किया है, इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन. इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन. ओके, एंड दिस ब्रिथ को डिनोट किया जाता है, इस ब्रिथ को डिनोट किया जाता है बी से. इस ब्रिथ को डिनोट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स बी से. ओके ओके, यस राइट. ओके संकेत, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से. एंड ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गैप होता है, ये इतना जो गैप होता है, इस गैप को बोला जाता है व्हाट? इस गैप को बोला जाता है रूट, रूट गैप. इज इट राइट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है रूट गैप. तो ये है नॉमनक्लेचर ऑफ बट वेल्ड. ठीक है, ये है नॉमनक्लेचर ऑफ बट वेल्ड. ओके, अब फिलेट वेल्ड के बारे में देखते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इस पॉइंट से लेके ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, इसको बोला जाता है व्हाट? इसको बोला जाता है रूट. ठीक है, जिस तरीके से यहां रूट था, उस तरीके से ये रूट, इसको बोला जाता है रूट. इज इट विजिबल अगेन? एंड इसको, ये जो ऐसे कर्व है, ये जो ऐसे सारे के सारे कर्व हैं, उनको बोला जाता है व्हाट? वेल्ड फेस. वेल्ड फेस, इज इट राइट? एंड इस रूट को ही हम दूसरा नाम देते हैं किससे? थ्रोट से. इज इट राइट? ये है आपका. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? एंड दिस नेक्स्ट वन इज योर, दिस इज योर, दिस एंड दिस, ये जो बेस है, और चाहे ये वर्टिकल में जो है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है टो. उनको बोला जाता है टो. इज इट राइट? एंड सिमिलरली, जो यहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, जो यहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, एग्जैक्टली सिमिलर, वो यहां पे क्लासिफिकेशन उसी तरीके से होता है, क्योंकि ये सेम टाइप से हैं. इज इट राइट? बिल्कुल सेम टाइप से हैं. माय डियर फ्रेंड्स, संकेत, टिग एंड गैस वेल्डिंग, यस ऑफ कोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूं. वहां पे टिग एंड गैस वेल्डिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं. ठीक है, वहां पे मैं आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं. सबसे पहले तो हम वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में एक बार देखते हैं, स्टडी करते हैं. ओके, तो ये है हमारे पास पूरा वेल्डिंग का नॉमनक्लेचर. ओके, वेल्डिंग का नॉमनक्लेचर क्लियर हो गया है. अब जैसा कि हमारे प्रवीण ने आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछा है, संकेत, कॉमन वेल्डिंग, यस ऑफ कोर्स, कॉमन वेल्डिंग, अभी जस्ट मैंने बताया कॉमन वेल्डिंग का मतलब क्या है, दो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को आपस में जोड़ना बाय अप्लाइंग ऑफ हीट और बाय यूजिंग विदाउट हीट, बाय अप्लाइंग ऑफ प्रेशर और बाय नॉट एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रेशर. तो इस तरीके से ये कॉमन वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है. कॉमन वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है कि आप कैसे भी करके आप उसको वेल्डिंग करिए, इट्स अ वेरी कॉमन. ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर जो टिग एंड गैस वेल्डिंग के बारे में है, या फिर ये फ्यूजन ऑफ हियर आर्क वेल्डिंग के बारे में है, तो उनके बारे में आप क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में हम देखते हैं. तो चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने अब क्वेश्चन क्वेरी करना शुरू कर दिया है, पूछना शुरू कर दिया है. ठीक है, नो सर, आई वॉन्ट टू आस्क विच इज कॉमन वेल्डिंग टाइप. संकेत, नो सर, आई वॉन्ट टू आस्क विच इज कॉमन वेल्डिंग टाइप. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग. वहां पे हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में देखेंगे, तो उसमें ये सब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स. और ये कॉमन वेल्डिंग नाम का कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है ना संकेत, कॉमन वेल्डिंग नाम का कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस संकेत नहीं होता है. ओके, एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए. क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बट कॉमन वेल्डिंग नाम का ऐसा कोई वेल्डिंग टेक्निक होता नहीं. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में देखते हैं. यहाँ पे सारे स्टूडेंट की क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी. सो नेक्स्ट वन इज, ओके संकेत, ठीक है, यस. सो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, यहां पे दुनिया भर के वेल्डिंग टेक्निक्स आएंगे और सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएंगे। बाकी और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिर रिगार्डिंग योर गेट एग्जामिनेशन और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग इज क्लास वेल्डिंग प्रोसेस जनरली इज क्लासिफाइड अगेन इन थ्री मैनर। ओके, तीन तरीकों से ये क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। अगेन एनी कमेंट माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट इज योर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जिसको जो ऑटोजेनस इन नेचर होता है। सेकेंड वन इज योर लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ओके, ये होमोजेनियस इन नेचर होता है, होमोजेनियस इन नेचर होता है। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एनी क्वेरीज? ओके, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट योर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये हेट्रोजेनियस इन नेचर होता है, हेट्रोजेनियस इन नेचर। ओके, अगेन क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। तो ये फर्स्ट में सॉलिड स्टेट जो आपका वेल्डिंग है, इट्स अ वेरी फर्स्ट फॉर यू। सो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में ये कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये माय डियर फ्रेंड्स टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, ये टोटल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कोल्ड वेल्डिंग। सेकेंड वन इज योर बाय एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स फ्रिक्शन वेल्डिंग। थर्ड इज योर फोर्ज वेल्डिंग एंड नेक्स्ट वन इज योर डिफ्यूजन वेल्डिंग टेक्निक। संकेत, How to inspect the weld? Okay. How to inspect the weld? संकेत, अभी यहां सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, स्टेप टू स्टेप वाइज सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले पूरी वेल्डिंग को आप एक बार देखिए, पूरी वेल्डिंग प्रोसेस को आप देखिए एंड इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज हैपेंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द थ्रोट की कितनी लेंथ है, या फिर हैमर टेस्ट से। दुनिया भर की टेस्टिंग होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। बट अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। चलिए, एंड नाउ यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। संकेत, एक्चुअली में हमें रिसर्च नहीं करना है, इज इट राइट? एक्चुअली में हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें केवल फोकस होके एग्जाम में जितना पूछा जाता है केवल उतना ही हमें देखना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग से 1 मार्क्स हमारे क्लियर हो रहे हैं और बाकी आर्क वेल्डिंग से हमारे 1 और 2 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। तो केवल आर्क वेल्डिंग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ना है, आपके 3 मार्क्स वेल्डिंग से क्लियर हो गए फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो रिसर्च करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। सिलेक्टिव पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इज इट राइट? सिलेक्टिव पढ़ोगे तभी ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना कभी नहीं होगा। तो सिलेक्टिव हमें चलना है। सो नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर, यहाँ पे आपका आता है संकेत, आर्क वेल्डिंग। एंड आर्क वेल्डिंग हमारे एक और स्टूडेंट ने पूछा था, प्रवीण। तो प्रवीण, यहाँ पे आपका आता है आर्क वेल्डिंग। देन नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, 2 to 3 मार्क्स प्रवीण,
एंड फॉर गेट एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम 2 मार्क्स का आ सकता है। मैंने आपको बताया था जस्ट पीछे, ठीक है ना प्रवीण, मैंने आपको बताया था फॉर गेट एग्जामिनेशन, गेट, ईएससी, एसएससी, जेई सारे एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था। तो मिनिमम 2 मार्क्स का, और कभी कभी एग्जामिनेशन अगर एग्जामिनर अगर नाराज हो जाता है तो 1 मार्क्स का भी देता है, इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम 2 मार्क्स का तो पूछा ही जाना है आपके वेल्डिंग से। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज योर केमिकल रिएक्शन, इट्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ओके। एंड यहां पे अगेन नेक्स्ट यहां पे देखते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ये कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज योर ब्रेजिंग एंड सेकेंड वन इज योर सोल्डरिंग, ओके। यहां से कोई डाउट हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए, आप लोग पूछ सकते हैं यहां से, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, कमेंट करिए, ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां से कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, कमेंट करिए, किसी भी टाइप्स का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे, बिकॉज ये लाइव सेशन बार बार नहीं आता, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस एंड रिगार्डिंग दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, एंड देन वी विल फर्दर मूव ओवर सम ब्यूटिफुल क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड गेट। तो अभी आपको यहाँ से पूछना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग ये सब समझ में आया, अब चलिए इनको थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं कि ये जो कोल्ड वेल्डिंग है, माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कोल्ड वेल्डिंग है अगेन ये कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, ठीक है, अगेन ये कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, एंड गोविंद इस क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, गोविंद नाड्रे इस क्लासिफिकेशन इज DIFFT, डिफिकल्ट और डिफरेंट, डिफिकल्ट और व्हाट, आंसर मी प्लीज, ओके। चलिए प्रवीण का मैं आंसर देता हूं, प्रवीण गायकवाड, सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब ये कि विदाउट यूज ऑफ फिलर मटेरियल, यहां पे आप देखो, यहां पे देखो इसके क्लासिफिकेशन से ही आपको समझ में आएगा कि कोल्ड में यहां पे है प्रेशर, ओके, दूसरा कौन सा है एक्सप्लोजिव, एंड तीसरा कौन सा है अल्ट्रासोनिक, ओके, यहां पे आपका लिखा है फ्रिक्शन, यहां पे लिखा है फोर्स, यहां पे लिखा है डिफ्यूजन, मतलब विदाउट, यहां पे विदाउट एनी फिलर, विदाउट एनी फिलर मटेरियल, इज इट क्लियर, मतलब केवल सॉलिड ही सॉलिड रहेगा, उसमें कोई पिघला हुआ मोल्टन मेटल का कोई यूज नहीं हो रहा है। यहां पे आप देखो जरा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बट ज्वाइंट को लेते हैं, दिस इज योर बट ज्वाइंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दिस इज योर बट ज्वाइंट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल्टन मतलब मेटल को पिघलाना है हीट देके, उसके बाद इस गैप में फिल करना है, तब जाके ज्वाइंट होगा। तो मोल्टन मेटल मतलब मेटल आपका पिघला और पिघल के किस फॉर्म में गया, लिक्विड के फॉर्म में गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इज इट राइट, इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, मतलब यहाँ पे जो वेल्डिंग होगा वो किस तरीके से होगा, आपका मेटल पहले पिघलेगा फिल होगा, यहाँ पे आपका मेटल बाय द यूजिंग ऑफ प्रेशर और एक्सप्लोजिव और अल्ट्रासोनिक या फिर फ्रिक्शन कर करके ही आपका मेटल क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा उनका, ओके, या फिर फोर्जिंग कर करके हम अपने मेटल को ज्वाइंट करेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर वेल्डिंग वायर का ही एग्जाम्पल लेते हो, वेल्डिंग वायर आपने देखा है या फिर सोल्डरिंग वायर देखा है, सोल्डरिंग वायर जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं ये सब उसका काम, सोल्डरिंग वायर तो आपने देखा होगा, तो उस वायर को लीजिए और उस वायर एक वायर को दूसरे वायर पर रख के आप फोर्ज करना शुरू कर दीजिए, उनको हैमरिंग करना शुरू कर दीजिए, वो दोनों आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, एक
परमानेंट ज्वाइंट वो क्रिएट कर देंगे, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो फोर्ज में आएगा, मतलब वहां पे ये वायर पिघला नहीं, उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में वो क्या हुए, डिस्टॉर्ट होके आपस में बिल्कुल ब्लॉक कर गए और ज्वाइंट हो गया, इज इट राइट। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आपका मटेरियल सारा का सारा पूरा पूरा सॉलिड स्टेट में रहेगा और वेल्ड हो जाएगा। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आपका मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होके फिल होके उसके बाद वेल्ड होगा। ओके गोविंद सर, आई मीन इज क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट बुक, लाइक आई लर्न मेनली फ्यूजन एंड नॉन फ्यूजन एंड देन सब। माय डियर फ्रेंड्स, गोविंद जी, आपको केवल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, गोविंद जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू यू गोविंद कि यू हैव टू क्रैक आइदर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मतलब IES और यू हैव टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन, इज इट राइट ना, दैट्स व्हाई यू आर हियर। That means you have to focus on your GATE examination or engineering service examination or state PSC examination. तो अगर आप examination को focus कर रहे हो तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना examination में पूछता है। आपको different books का को follow नहीं करना है। एक book को follow करिए, उसको 100 बार पढ़िए। 100 book को नहीं पढ़ना है, एक book को 100 बार पढ़िए। गोविंद जी, इसका मतलब क्या कि आपको केवल उतना ही क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पढ़ना है जितना एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गोविंद, आप सुन रहे हैं, तो जितना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है केवल आपको उतना ही पढ़ना है। और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग केवल 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड सॉलिड स्टेट अगेन वेल्डिंग। बट सॉलिड स्टेट में यहाँ पे ऑटोजोनस है, ध्यान में आपको रखना है, और यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना, इज इट राइट। और यहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के साथ साथ लिक्विड स्टेट यहाँ पे दोनों के दोनों पिक्चर में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों। सोल्डरिंग में क्या होगा, सोल्डरिंग में आपका सोल्डरिंग वायर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, बट ब्रेजिंग में आपको ऐसा नहीं दिखता। तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग यहाँ पे दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे केवल लिक्विड स्टेट वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटोजेनस इन नेचर होगा, ये होमोजेनस इन नेचर होगा एंड ये हेटरोजेनस इन नेचर होगा। इसमें 4 क्लासिफिकेशन होंगे, कोल्ड फ्रिक्शन, फोर्ज, डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे आर्क रेजिस्टेंस, केमिकल रिएक्शन एंड यहाँ पे ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। केवल इतने नाम आपको पढ़ने हैं, दैट मीन्स टोटल 4, हियर 3 एंड हियर 2, बस इतने नाम काफी है, ठीक है गोविंद। 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 100 बार पढ़ें। एंड इफ यू आर गोइंग टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन, देन This knowledge is sufficient for you at conventional level. अगर conventional level तक ये knowledge sufficient है, so you have to never prefer any book. Okay? Marking is different, difference the universe. So 10 only with इतना subscribers. Okay. So my dear friends, now, so it's all about your cold welding. Okay, it's all about your cold welding. Okay, अब हम resistor arc welding के बारे में देखते हैं and then chemical reactions के बारे में देखते हैं. Is it right? चलिए कि arc welding कितने तरीकों से classified किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. Okay, my dear friends. So here again your arc welding, is classified in three manner, is it right? Praveen Gaikwad, sir you are a very good, thank you Praveen. Praveen will provide a PDF. yes, will provide a PDF. yes of course, maine aapko starting mein lecture ke starting mein apna number diya hai, us pe aap WhatsApp kariye, main PDF नोट्स के प्रोवाइड करूंगा. ओके द यूनिवर्स, हंसना अच्छी बात है, ठीक है. आर्क वेल्डिंग के बारे में हम एक बार देखेंगे. तो आर्क वेल्डिंग में हमारा कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा होता है फ्लक्स कोर, सेकेंड वन इज योर शील्ड गैस,
एंड नेक्स्ट वन इज योर समर्ज आर्क. समर्ज्ड आर्क, ठीक है. अगेन परविंदर कौर, जीटी एक्सपीरियंस. अच्छा, जीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रेट, सो ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है. ओके, यहां पे सबमर्ज, सबमर्ज्ड आर्क. ओके, रेजिस्टेंस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. एंड केमिकल में अगेन क्लासिफिकेशन है. केमिकल इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म, गैस, गैस वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग. तो सारे के सारे वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया है और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. नागराज पाटिल, गुड, ठीक है. अब हम कुछ स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड गेट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस को लेता हूं और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा आप लोग नोट करिए. नोट हो गया, बोलो यस, कमेंट करो फटाफट, केवल वाई लिखो, इसका मतलब यस है. और नोट क्या करना है, एक स्मार्टनेस से वर्क करना है आपको, केवल स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है. चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हरिकेश वर्मा, संकेत, नागराज पाटिल, गोविंद नादरे. अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं और आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स इज वैक्यूम एनवायरमेंट रिक्वायर्ड. यहां पे इन विच वेल्डिंग टेक्निक्स वेयर वैक्यूम एनवायरमेंट is required. ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करना है कहां पे वैक्यूम एनवायरमेंट की जरूरत होती है, ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है. पहला है योर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है. सेकेंड वन इज योर लेजर आर्क वेल्डिंग. थर्ड वन इज योर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. एंड नेक्स्ट एट एंड लास्ट इज योर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. माय डियर फ्रेंड्स, इन चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें वैक्यूम एनवायरमेंट क्रिएट करके हम वेल्डिंग प्रोसेस को करते हैं. इन चारों में कौन सा ऑप्शन है, कमेंट करिए फटाफट. नागराज, हरिकेश, संकेत, गोविंद, कमेंट करिए. प्रवीण ऑल्सो, आप बताइए कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वैक्यूम की जरूरत होती है. माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है. ये इसरो, डीआरडीओ, एसएससीजेई, बार्क, पीएससी ऑब्जेक्टिव, गेट, ऐसा धरती का कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया. ये कॉमन क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है. संकेत ने आंसर दिया है ए, ठीक है. एनीवन एल्स, और कोई? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, संकेत, ओके. गोविंद, नागराज, हरिकेश, आप लोग भी आंसर दीजिए. पहले कुछ कैंडिडेट आंसर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, आंसर दीजिए, आंसर प्लीज. माय डियर फ्रेंड्स, आंसर दीजिए. नागराज, वेरी गुड स्टूडेंट नागराज पाटिल, ग्रेट. माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जो आंसर है, ये जो नागराज ने बताया है वो है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज योर करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड नागराज. माय डियर फ्रेंड्स, ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज योर इंपॉर्टेंट. प्रवीण नहीं, ए ऑप्शन नहीं है.
इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन की जब बीम की बम्बार्डमेंट हम करते हैं तो वहां पे वैक्यूम एनवायरनमेंट की हमें जरूरत रहती है। अगर गैस होगा तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, ये क्या कर लेंगे आपस में, ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम में ही हमें वैक्यूम की जरूरत होती है, वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी लेजर किसी भी गैस से रिएक्ट नहीं करता, प्लाज्मा किसी भी गैस से रिएक्ट नहीं करता, अल्ट्रासोनिक एक वेव फॉर्म में होती है वो भी नहीं रिएक्ट करती, बट इलेक्ट्रॉन बीम अगर आप डालते हो और एटमॉस्फेरिक गैसेस अगर वहां प्रेजेंट रहते हैं तो हर गैसेस एक उसमें एटम्स भी होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होता है, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ये बीम डिफ्लेक्ट कर सकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हमें वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। संकेत, आपका आंसर मिल चुका है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ओके ओके संकेत, ठीक है, ये कॉमन सेंस से ही आपको आंसर करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस। अल्ट्रासोनिक क्या है? एक वेव है। ये क्या, वैक्यूम अगर ना हो तो किसी चीज के साथ तब क्या होगा, तब गैसेस होंगे, तो क्या ये गैसेस के साथ रिएक्ट करेगी? नो। लेजर? नो। प्लाज्मा? नो। बट इलेक्ट्रॉन बीम में पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, ठीक है। और अगर वैक्यूम की जगह पे गैसेस होते हैं तो उन गैसेस, सारे के सारे गैसेस एटम के बने होते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा भी है, तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सभी होते हैं, आपस में ये रिएक्ट करेंगे, बीम आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट्स व्हाई, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कॉमन ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, उसको हम पिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और अपने सेशन को हम आज फिनिश करेंगे। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि वेल्डेबिलिटी इज डिपेंड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डेबिलिटी इज डिपेंड ऑन वेल्ड की, वेल्डिंग की जो एबिलिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन स्टेटमेंट होंगे, ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ये ऑप्शन होंगे, इसमें पहला करेक्ट होगा, इसमें दूसरा करेक्ट होगा, इसमें पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो सकता है, इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट हो सकता है। अब पहला दूसरा तीसरा ये सब है क्या चीज, उनके बारे में देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है कि वेल्डिंग वेल्डेबिलिटी इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट वन इज व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी, सेकेंड वन इज व्हाट, सरफेस कंडीशन, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आंसर मी कि ये जो ट्रिक है मैं किस ऑप्शन पे लगाऊं, ये जो यस वाला ट्रिक है ये मैं किस ऑप्शन पे लगाऊं, आंसर मी प्लीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर मी प्लीज, कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। डी प्रवीण, वेरी गुड प्रवीण। नागराज पाटिल, इस बार आपने गलत कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आंसर मी, संकेत कहां गए आप, संकेत आंसर करिए इसका, प्रवीण हाँ आपने तो आंसर कर दिया है, आंसर करिए माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग, आंसर करिए इसका। वेल्डेबिलिटी का सबसे पहला मीनिंग बी बी, सुनील कुमार ने बोला है बी, ओके, गोविंद ने बोला है डी, एंड ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन, दैट मींस गोविंद का आंसर और प्रवीण का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है, देखते हैं क्यों गलत है। वेल्डेबिलिटी का सबसे पहला मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ वेल्डिंग, इज इट राइट ना, एबिलिटी ऑफ वेल्डिंग को ही हम वेल्डिंग बोलते हैं, इज इट राइट।
एंड दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल का जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, उतनी तेज वो क्या होगा पिघलेगा। दैट मींस दिस वेल्डेबिलिटी डिपेंड ऑन के, के जितना ज्यादा एबिलिटी उतनी अच्छी। सरफेस कंडीशन, सरफेस कंडीशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसमें होंगे, उसी प्रकार अच्छी तरीके से हीट का फ्लो होगा। या फिर वेल्डेबिलिटी में अगर एक तरफ रफ सरफेस आप लेते हो, एक तरफ ये है आपका रफ सरफेस, इन दोनों को आपस में वेल्ड करते हो तो वेल्डिंगबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जैसा कि आप इस तरीके से लेके आप मटेरियल फिल करते हो। ठीक है, तो सरफेस कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। एंड चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल आप डील कर रहे हो बीसीसी से, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के माइक्रो स्ट्रक्चर को लेके आप डील कर रहे हो, अगर यही आपका एक्सेसिव हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी वेल्डेबिलिटी में काफी वेरिएशन आ सकता है, बिकॉज ये एफसीसी आपका ब्रिटल तो ये आपका डक्टाइल है, तो उससे माइक्रो स्ट्रक्चर के चेंज होने से चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। इट्स आल्सो डिपेंड ऑन थर्मल एक्सपेंशन, यस ऑफ कोर्स, करेक्ट करेक्ट प्रवीण, थर्मल एक्सपेंशन पे भी ये डिपेंड करता है। ओके, दैट मींस अल्फा इस पे भी ये डिपेंड करता है, यस ऑफ कोर्स करता है सुनील कुमार। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, 1 आवर का सेशन कंप्लीट हो रहा है, कुछ हमने क्वेश्चंस को भी देखा। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने इस लेक्चर में देखा कि व्हाट इज आवर वेल्डिंग, वेल्डिंग होती क्या चीज है, उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा, टर्मिनोलॉजी में हमने डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में स्टडी किया, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने देखा। देन हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में हमने देखा। एंड देन हमने क्या देखा, देन हमने वेल्डिंग पे कुछ ब्यूटिफुल क्वेश्चंस को हमने देखे और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज को हमने सॉल्व किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो 9125935774 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, प्रवीण ने या फिर किसी स्टूडेंट ने पीडीएफ नोट्स मांगा था तो यू कैन व्हाट्सएप हियर एंड देन आई विल सेंड यू योर पीडीएफ। ओके, तो सबसे पहले आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। दिस इज 9125935774। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो गोविंद नादरे, वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, आई लाइक योर स्ट्रेटजी एंड अप्रोच, थैंक्स अ लॉट। ओके, यस गोविंद, 100 चीजों को पढ़ने से अच्छा है एक चीज को आप 100 बार, मास्टरी उसी को कहते हैं, एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं, जितनी एक चीज में परफेक्ट होना अच्छा है। हमें मैड नहीं बनना है कि इधर भी ये भी चीज वो भी चीज, नहीं, एक चीज पे परफेक्शन लीजिए। ठीक है, एंड माय सेल्फ प्रकाशन सिंह, फॉर एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप हियर, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।